गोस्वामी तुलसीदास एक महान हिंदू संत और उच्च ज्ञानी कवि थे। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म श्रावण महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह तिथि जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। तुलसीदास के जन्म दिवस को हर साल तुलसीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं तुलसीदास जी की जयंती की तिथि और उनसे जुड़ी रोचक तथ्यों के बारे में। इस साल यानी कि 2022 में गोस्वामी तुलसीदास की जयंती 4 अगस्त को मनाई जाएगी। तुलसीदास जयंती 2022 पर हम प्रसिद्ध संत कवि के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी 1497 से 1623 ईसा पूर्व के दौरान जीवित रहे। हालांकि उनके जन्म स्थान का कोई निश्चित रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि वह चित्रकूट उत्तर प्रदेश में थे। तुलसीदास जी के जन्म के बाद उन्होंने रोने के बजाय राम शब्द बोला था, इस वजह से उनका राम राम बोला पड़ा। इसके अलावा उनके दांत थे और वह बिल्कुल 5 साल के लड़के जैसे दिखते थे। राम बोला की माँ की दासी चुनिया ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पालना शुरू किया, लेकिन उनका भी निधन हो गया। जब राम बोला महज 5.5 साल के थे, तब राम बोला अनाथ होकर घर घर जाकर भीख मांगते थे। यह तब था जब देवी पार्वती एक ब्राह्मण के रूप में राम बोला की देखभाल करने आई थी। रामचरितमानस में तुलसीदास ने उल्लेख किया है कि उनके गुरु उन्हें रामायण सुनाते थे और इस तरह उन्हें भगवान राम के बारे में अधिक से अधिक पता चला। रामचरितमानस में तुलसीदास ने उल्लेख किया है कि वह भगवान राम और हनुमान से कैसे मिले। कई लोग उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार मानते हैं। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने कुल 12 ग्रंथों की रचना की। सबसे अधिक ख्याति उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को मिली। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों में श्री रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास जी ने उस समय में समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अपनी रचनाओं द्वारा उन्होंने पंथवाद और समाज में उत्पन्न बुराइयों की आलोचना की। उन्होंने साकार उपासना, गौ ब्राह्मण रक्षा, सगुणवाद एवं प्राचीन संस्कृति के सम्मान को ऊपर उठाने का प्रयास किया। वह राम राज्य की परिकल्पना करते थे। इधर उनके इस कार्यों के द्वारा समाज में कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे तथा उनकी रचनाओं को नष्ट करने का प्रयास भी किया, किंतु कोई भी उनकी कृतियों को हानि नहीं पहुंचा सका। आज भी भारत के कोने कोने में रामलीलाओं का मंचन होता है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में देश के कोने कोने में रामचरितमानस तथा उनके निर्मित ग्रंथों का पाठ किया जाता है। तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय काशी में व्यतीत किया और वहीं विख्यात घाट 80 घाट पर संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन अपने प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।